Hi guys, welcome to my channel Beauty and Dine. Hope you all are doing well in this lockdown. तो आज की मेरी रेसिपी है बटर स्वीट कॉर्न एंड स्वीट कॉर्न चाट, जो खाने में तो हेल्दी है ही, साथ ही बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी है. आई एम श्योर यू गोना लव दिस रेसिपी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्वीट कॉर्न चाट बनाने के लिए हमें चाहिए बेबी कॉर्न, जिसे हम स्वीट कॉर्न भी कहते हैं. ये मेरी खुद के बगीचे की है. यहाँ मैंने इसके सारे दाने निकाल लिए हैं. अगर आपके पास इस तरह के बेबी कॉर्न अवेलेबल नहीं हो तो आप फॉरेजन बेबी कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं यहाँ दो तरह की रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ मुझे सारे बेबी कॉर्न को 2 मिनट के लिए स्टीम करना है, तो फ्लेम ऑन करें और सारे बेबी कॉर्न को एक पैन में डाल लें और उसमें 1/4 कप के अकॉर्डिंग पानी डालें और 2 मिनट के लिए इसे ढक कर पकाएं. सो मैंने यहाँ इसकी लिड लगा दी है. 2 मिनट बाद देखें, इसकी कलर में भी चेंजेस आ गई है. बस 2 मिनट से ज़्यादा मुझे इसे स्टीम नहीं करना है. अगर 2 मिनट बाद भी अगर इसमें पानी रह जाती है तो आप इसे यूँ चलाते चलाते इसके सारे पानी सुखा दें. हाँ, मैंने इसे अच्छे से स्टीम्ड कर लिया है. अब चलते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ. तो हमें चाहिए अमूल बटर, बारीक कटी हुई खीरा, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर और क्रस्ट काली मिर्च, टोमेटो कैचअप, काला नमक और नींबू. पहली जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ उसका नाम है बटर स्वीट कॉर्न. यहाँ मैंने 1 कप के अकॉर्डिंग स्टीम्ड कॉर्न लिया है. उसके बाद मैंने यहाँ ऐड किया है काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून. फिर यहाँ मैंने ऐड किया है भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून, आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें. बटर, मैं यहाँ 1/2 टीस्पून बटर ऐड कर रही हूँ. ये इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट है, बिकॉज़ इसे ऐड करते ही इस डिश का फ्लेवर को एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है और खाने का जायका बढ़ा देता है. सबको अच्छे से मिक्स कर लें. मेक श्योर कि बटर थोड़ी जमी हुई हो, ठंडी हो, जिससे सारे कॉर्न अच्छे से बाइंड अप हो सके. तो मैंने यहाँ सबको अच्छे से मिला लिया है. तो रेडी है मेरा बटर स्वीट कॉर्न. जितना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है खाने में, उतना ही ज़्यादा ये हेल्दी भी है. मस्ट ट्राई इट. तो अब चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है स्वीट कॉर्न चाट. बाकी बचे हुए स्वीट कॉर्न को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है. अब उसमें ऐड करें प्याज, खीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च. अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं. भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक. उसके बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1 स्लाइस नींबू का. आप यहाँ नींबू की जगह अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ एक हेल्दी डिश बना रही हूँ इसलिए मैंने अमचूर पाउडर नहीं डाला है. सबको अच्छे से मिला लें. आप यहाँ चाहो तो और भी हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, जिससे ये रेसिपी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाए. अब मैं यहाँ डालूँगी 1 टेबल स्पून टोमेटो कैचअप. सबको अच्छे से मिक्स कर लें. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल ब्यूटी एंड डाइन को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं. यहाँ मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है.
ये एक बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशन से भरा हुआ डिश है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। नाउ हियर बोथ डिशेस आर रेडी टू सर्व। इट्स अ बटर स्वीट कॉर्न एंड स्वीट कॉर्न चाट। ये काफ़ी टेस्टी एंड हेल्दी डिश है। ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा। स्वीट कॉर्न के अपने ही एक अलग फ़ायदे हैं। ये एनीमिया के रिस्क को रिड्यूस करता है। कॉर्न इज रिच इन विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन, विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन अ बॉडी। Enjoy this healthy recipe, guys. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy, and keep cooking with us, Beauty and Dine.